नमस्कार दोस्तों, लूसेंट जीके हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, तो लूसेंट जीके को एकदम सरल भाषा में पढ़ा जा रहा है, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपने लूसेंट जीके को अच्छे से पढ़ लिया। तो आज के इस लेक्चर में भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, राज्यसभा। संसद का ही प्रमुख भाग है ये। इससे पहले आपने लोकसभा पढ़ा है, तो अब शुरुआत करते हैं राज्यसभा के बारे में। टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो टेलीग्राम पे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जो स्क्रीन पे आपके लिखा आ रहा है एट द श्री एजुकेशन, ये चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, और एट द रेट करंट अफेयर्स बाय रवि लिख कर सर्च करेंगे तो हमारे पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पहले ही बता दिया गया है संसद के तीन अंग होते हैं, ऐसा 79 में लिखा हुआ, आर्टिकल 79 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया है, लोकसभा पढ़ लिया है, आज राज्यसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, स्थायी सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के मुकाबले, लोकसभा से अगर तुलना की जाए तो राज्यसभा का अगर सदस्य किसी को बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष का प्रावधान किया गया है। इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है लोकसभा से, ऐसा नहीं है। दोनों में अगर मुकाबला करेंगे, तुलना करेंगे, तो लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा हमेशा लगातार चलती रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। जैसे लोकसभा आप देखेंगे आम तौर पर 5 वर्ष में वो भंग हो ही जाती है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। आर्टिकल 85 में ये प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो 5 वर्ष या उससे पहले भी भंग कर सकती है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। हालांकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जबकि लोकसभा की अगर बात करेंगे तो लोकसभा का खुद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है आम तौर पर, अगर पहले भंग नहीं हुई, अगर पहले सरकार नहीं गिरी तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा लगातार चलती रहती है, इसलिए स्थायी सदन कहा जाता है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। जिस प्रकार आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन और संरचना की बात की गई है और लोकसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होगा आर्टिकल 81 में कहा गया है, उसी प्रकार राज्यसभा का गठन और संरचना की बात आर्टिकल 80 में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 80 में ये भी लिखा हुआ है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो आर्टिकल 80 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 80 के तहत आपको ये मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या है, सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 है। वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? 245, याद कर लीजिएगा। जिनमें से 233 तो निर्वाचित होते हैं, 233 निर्वाचित होते हैं, किस प्रकार निर्वाचित होते हैं वो आगे चर्चा करेंगे। और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं वो साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, जो इन 4 क्षेत्रों में बहुत आगे होते हैं, बहुत नाम कमा चुके होते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, इन 12 सदस्यों को। जबकि लोकसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था? 2 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता था, मगर वो 2 सदस्य कौन थे? वो आंग्ल भारतीय समुदाय से थे, आर्टिकल 331 में ये लिखा हुआ था। जबकि 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाना राज्यसभा में, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 80 में ही ये बात लिखी हुई है। अब निर्वाचन देखते हैं किस प्रकार होता है। राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अर्थात
लोकसभा के जो सदस्य थे उनका जो निर्वाचन था प्रत्यक्ष रूप से जनता करती थी, जनता डायरेक्ट वोट करती थी, जबकि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, जनता डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेती है, जबकि जनता के द्वारा जो चुने हुए विधायक हैं वो इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वो हमारे लिए राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा होता है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। जिस प्रकार केंद्र में संसद है तो संसद के अंदर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में क्या होती है, विधानमंडल होती है, जिसके दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हालांकि केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, तो राज्य में निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है, जबकि विधान परिषद को उच्च सभा कहा जाता है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए, अब बात करेंगे इनका निर्वाचन किस प्रणाली के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान से याद रखना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें एक निश्चित कोटा हासिल करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं लोकसभा चुनाव की तरह नहीं है कि जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत जाएगा, नहीं, ये राष्ट्रपति के चुनाव की तरह होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को एक निश्चित कोटा हासिल करना ही पड़ता है चुनाव में, उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों को भी एक निश्चित कोटा हासिल करना ही पड़ता है जीतने के लिए। और उसके बाद एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये क्या है, जब भी कोई वोटर जो वोट विधायक वोट करने जाएगा तो वो एक वरीयता के हिसाब से वोट करेगा। मान लीजिए 4 राज्यसभा के सदस्य मतलब उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, जब कोई विधायक वोट करने जाएगा तो वो वरीयता के हिसाब से वोट करेगा, ठीक है। मान लीजिए तीसरे नंबर, जो 4 सदस्य उम्मीदवार हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, जो तीसरे नंबर वाला है वो उस विधायक का फेवरेट है, मतलब कोई विधायक वोट करने गया वो चाहता है कि जो तीसरे नंबर वाला है वो जीत जाए, तो तीसरे नंबर वाले को अपनी पहली प्राथमिकता में रखेगा, तो वरीयता के हिसाब से वोट करेगा, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 सदस्य ABCD ये हैं, तो मान लीजिए सी जो है, मैं चाहता हूँ कि सी जीते, तो सबसे पहले सी का नाम लिखूँगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ अगर सी ना जीत पाए तो बी जीत जाए, तो फिर बी मैं लिखूँगा, ठीक है। इसी हिसाब से वरीयता के हिसाब से मत दिया जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आप समझ ही गए हैं कि जनता वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा जो चुने हुए विधायक हैं वो वोट करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा निर्वाचन किस प्रकार से होता है। सबसे पहली बात ये आपको याद रखना है कि जो विधायक होते हैं, राज्यों के विधायक जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो मतलब निर्वाचन करते हैं हमारे लिए राज्यसभा सदस्यों का। और चुनाव प्रणाली किस प्रकार से होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। और एक खुला मतदान होता है, मतलब जो भी वोटर वोट करने जाएगा वो सबको बताएगा, सबको मतलब दिखा देगा कि हाँ मैं इनको वोट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि करप्शन ना हो पाए, कोई धांधली ना हो पाए, इसी कारण से ये खुला मतदान पद्धति रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल। आर्टिकल 83 के पहले क्लॉज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, जब से इसका गठन हुआ है तब से लगातार चलती रहती है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल है, 6 वर्ष का कार्यकाल है इसके सदस्यों का। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो विकल्प में आपको उलझाने की कोशिश करेगा, तो आप उलझेंगे नहीं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कभी नहीं उलझ सकते हैं। और ये भी बात का ख्याल रखिएगा, आर्टिकल 83 में लिखा हुआ है कि 2 वर्ष के बाद, हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 नए सदस्य आते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के अंदर ये परंपरा है, ये चलता आ रहा है, ये नियम है कि हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करना पड़ता है और 1/3 जो नए सदस्य हैं वो निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है।
तो चलिए ठीक है, उसका नोट लिख लीजिएगा कि सबसे पहले राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगर ये पूछा जाए प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी, लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। हाँ, ये भी बात का याद रखिए कि जो राज्यसभा है आज वर्तमान में जो राज्यसभा नाम है, ये पहले राज्यसभा नाम नहीं था, पहले क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसका नाम था, पहले इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, मगर अब इसका नाम क्या हो गया, राज्यसभा हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, लोकसभा में जो सदस्य होंगे वो लोगों के प्रतिनिधि हैं, हमें और आपको, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोकसभा में, केंद्र में, जबकि जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राज्य को रिप्रेजेंट एक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं योग्यता, राज्यसभा का जो सदस्य बनना है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, और लाभ के पद पर ना हो, और पागल या दिवालिया घोषित ना हो। कहने का भाव ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए बस एक ही अंतर है उम्र का, 25 वर्ष की आयु है लोकसभा सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष की आयु है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, बाकी सभी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे राज्यसभा के पदाधिकारी, जिस प्रकार लोकसभा के पदाधिकारी हमने पढ़ा था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, ठीक है, और इसी प्रकार राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जिस प्रकार लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पर सभापति होते हैं, वहाँ पे उपाध्यक्ष होते हैं, यहाँ पर उपसभापति होते हैं, इस बात का गौर कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपको ये मालूम होना चाहिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 89 के पहले क्लॉज में और 64 में लिखा हुआ है, स्पेशली 64, आर्टिकल 64 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जबकि आर्टिकल 89 के पहले क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होंगे, ठीक है, और जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ये बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, देखेंगे आप कि जब जो अध्यक्ष हैं, मेन जो स्पीकर हैं राज्यसभा के, वो उस सदन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके जो मेन सभापति हैं, जो मेन अध्यक्ष आप एक तरीके से कह सकते हैं, वो उस सदन से बिलोंग नहीं करते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जब सबसे प्रमुख काम यही होता है सभापति के रूप में, उनको 4 लाख रुपए की सैलरी जो प्रति माह मिलती है ना, वो इसी काम के लिए मिलती है, और कोई अन्य काम के लिए नहीं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं उनको सैलरी मिलती है, जबकि सभापति के रूप में उनको 4 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है, ठीक है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इससे भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना है, तो ये नहीं मत कह दीजिएगा कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष है, तो क्या पता राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष हो, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सभापति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है बच्चों को, क्योंकि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, लेकिन राज्यसभा के जब सभापति अपना त्याग पत्र देंगे वो उपसभापति को नहीं देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि जो सभापति हैं वो जब भी त्याग पत्र देंगे तो इसका मतलब वो उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले सभापति कौन थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के पहले सभापति वही होंगे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति होंगे, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए। और वर्तमान में सभापति कौन है, वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वही तो होंगे, वेंकैया नायडू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सभापति के कार्य, जिस प्रकार आपने अध्यक्ष के कार्य पढ़ा था लोकसभा में, वही कार्य इनके भी है, लगभग थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और कार्यवाही का संचालन करते हैं, जिस प्रकार एक टीचर क्लासरूम को संभालता है ना, उसी प्रकार जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं वो अपने सदन को संभालते हैं, कौन कितना बोलेगा, कैसे बोलेगा, किस डिसिप्लिन में रहेगा, ये सारी जिम्मेदारी सभापति की होती है और लोकसभा के अध्यक्ष की होती है अपने अपने सदन को लेकर।
से गणपूर्ति, गणपूर्ति होप आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी बता दिया हमने कि टोटल सदस्यों, उस सदन के टोटल सदस्यों का 10वां भाग, अर्थात राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं, 245 है वर्तमान में, तो उनका 10वां भाग निकालेंगे तो आप क्या आएगा, लगभग लगभग 25 आएगा। तो अगर सदन में 25 सदस्य या उससे अधिक उपस्थित हैं तभी सदन की कार्यवाही को चलाया जा सकता है। आर्टिकल 100 के चौथे क्लॉज में लिखा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अगर गणपूर्ति होगी तभी सदन को चलाया जाएगा, अन्यथा सभापति और अध्यक्ष का ये कर्तव्य है, उनको ये अधिकार है कि वो सदन को स्थगित कर दें। ठीक है, मतलब लोकसभा में 55 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है कम से कम, और राज्यसभा में 25 सदस्य होने अनिवार्य अनिवार्य हैं, तब जाकर सदन की बैठक हो सकती है। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग गणपूर्ति या कोरम कहलाता है। अब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त सभा होती है, जब दोनों की संयुक्त सभा होगी तो उसकी अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, आर्टिकल 118 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन पर लोकसभा के अध्यक्ष ही उस सदन की अध्यक्षता करते हैं, उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। अगर बाई चांस लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष कर लेंगे, अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, ना कि सभापति। इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। राज्यसभा के सभापति इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो दोनों सदनों में किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इसी कारण से। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय केवल लोकसभा के अध्यक्ष को करना है, ना कि राज्यसभा के सभापति को, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, और हालांकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो धन विधेयक होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा अधिकार लोकसभा को ही है। सबसे ज़्यादा क्या मतलब, पूरा अधिकार लोकसभा को ही है, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले जो धन विधेयक है वो लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा में अगर पास हो जाएगा तब राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा को उसे 14 दिन के अंदर पास करना ही पड़ता है। अगर वो 14 दिन से अंदर अंदर पास नहीं करते हैं तो 15वें दिन ऑटोमेटिक मान लिया जाता है कि राज्यसभा में भी वो पास हो गया है। ठीक है, और निर्णायक वोट करने का अधिकार है, आर्टिकल 100 के पहले क्लॉज में लिखा हुआ है, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा राज्यसभा के सभापति दोनों के लिए ये अधिकार दिया गया है कि उन्हें निर्णायक वोट करने का अधिकार है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं और राज्यसभा के सभापति, इन दोनों को अधिकार नहीं होता है वोटिंग करने का। मान लीजिए कोई विधेयक पे चर्चा हुई, उसके बाद वोटिंग हो रही है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो गए। मान लीजिए CAB जो बिल आया था उस पर अगर वोटिंग हो रही होती, अगर दोनों ही पक्ष बराबर हो जाए, जैसे पक्ष और विपक्ष में दोनों में बराबर वोट पड़े, तो इसका मतलब वो टाई हो गया। ठीक है, अब उस पर जो निर्णायक वोट करने का अधिकार है राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को है, अगर वो टाई राज्यसभा में हुआ है तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो निर्णायक वोट करेंगे, अगर लोकसभा में वो टाई हुआ है तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे उपसभापति की। आर्टिकल 89 में उपसभापति और सभापति दोनों के लिए प्रावधान किया गया है, ऑलरेडी आपको बता दिया, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सभापति का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष है। उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, इसी कारण से इनका कार्यकाल 6 वर्ष का है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति ही अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अगर सभापति अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा को कौन संभालेगा, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, उपसभापति ही करेंगे। और उपसभापति को भी पद से हटाया जा सकता है। कौन हटा सकता है उपसभापति को, राज्यसभा के सदस्य ही हटा सकते हैं। देखिए, उपसभापति को पद से हटाने के लिए केवल राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा और राज्यसभा में ही उसका निर्णय होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले
जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में आएगा, लेकिन अगर राज्यसभा में पास हो गया फिर लोकसभा में जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखिए, क्योंकि वो जब भी सभापति के पद से हटाए जाएंगे इसका मतलब वो उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से पद से हटाया जाएगा, उपराष्ट्रपति के चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ लिया। सबसे पहले उस प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा में जब विचार होगा उस पर, उससे 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। तो इस पर विचार होने के बाद 2/3 बहुमत से राज्यसभा में अगर पास हो गया फिर लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में अगर साधारण बहुमत से भी पास हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक। और पहले उपसभापति कौन थे? SV कृष्ण मूर्ति राव थे, और वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह हैं। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और आर्टिकल 92 सभापति और उपसभापति दोनों के लिए है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर इन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, सदन में अगर विचार हो रहा है, तब तक ये अपने पद पर नहीं बैठेंगे। ठीक है, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं महासचिव। आर्टिकल 92 में महासचिव की बात की गई है, लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव दोनों की। इनकी नियुक्ति सभापति के द्वारा होती है। जो राज्यसभा के महासचिव होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा होती है। जो लोकसभा के महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा होती है। और महासचिव जो होते हैं वो राज्यसभा के सचिवालय के प्रमुख होते हैं, जबकि लोकसभा के महासचिव लोकसभा के सचिवालय के प्रमुख होते हैं। ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो मेन चेयर पे बैठे हैं ये तो अध्यक्ष होते हैं, अर्थात ये सभापति होते हैं। लेकिन जस्ट इनके नीचे देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इस चेयर पे जो बैठे हैं ये कौन है? ये महासचिव का पद है। और इनके जो कार्यकर्ता है, इनकी जो पूरी टीम है, ये देखिए टेबल के इर्द गिर्द बैठी हुई है, ये सभी अधिकारी इनके अंडर में होते हैं। ठीक है। अब ये पूछा जाए कार्यकाल कितना होता है महासचिव का, तो 60 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर होते हैं उन्हीं को इस पद के लिए चुना जाता है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वर्तमान में महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा है, और पहले SN मुखर्जी हैं। और इनका कार्य क्या होता है, जो लोकसभा के चैप्टर में आपको बताया ही था, संसदीय कार्यों में जो अध्यक्ष होते हैं अर्थात जो सभापति हैं उनकी मदद करते हैं ये। और राष्ट्रपति के द्वारा जब भी सदन में अधिवेशन की उपस्थिति के लिए कहा जाता है तो सदस्यों को आमंत्रण जारी करने का काम इन्हीं की टीम का होता है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कोई नया सांसद चुनकर आया तो उसको नियम और कानून, सदन के नियम और कानून बताना इन्हीं का काम होता है, और पूरी स्क्रिप्ट तैयार करना, जो वो बोलते हैं जो पढ़ते हैं वो इन्हीं की टीम का काम होता है, और भी बहुत सारे अन्य काम होते हैं। तो ये था राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। इंडियन पॉलिटी पूरी सरल भाषा में बताई जा रही है, जो हमारा लूसेंट बुक है उसी को पूरा कन्वर्ट किया जा रहा है सरल भाषा में। तो ये संसद का चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, लोकसभा और राज्यसभा आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। केंद्र के बारे में अभी पढ़ रहे हैं हम, केंद्र की न्यायपालिका अगला टॉपिक होगा। केंद्र की कार्यपालिका आपने अच्छे से पढ़ लिया, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन था बताइए? राष्ट्रपति शामिल थे, प्रधानमंत्री शामिल थे, उपराष्ट्रपति शामिल थे, और मंत्रिपरिषद शामिल थी। और आपने उप प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ा, और महान्यायवादी के बारे में भी पढ़ लिया आपने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद बताइए केंद्र की जो विधायिका है, जो कानून बनाने वाला तंत्र है वो कौन है? संसद है। तो संसद के लोकसभा राज्यसभा आपने पढ़ लिया। और उसके बाद आप पढ़ेंगे केंद्र की न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इसके अलावा और बहुत सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर दिए हैं, वो पढ़ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।